हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है छाया प्रतिभा खेलवार, आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आपको याद होगा कि अभी तक हम जो कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का जो हमारा 5 अंक का जो प्रश्न है उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमारा जो है बहुत सारे क्वेश्चन यानी 5 अंक के 3 प्रश्न ऐसे ही हो चुके हैं। तो आज यूनिट फर्स्ट से ही जो 5 अंक के जो प्रश्न है उसका जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, यानी कि 5 अंक का ये तीसरा जो है लेक्चर होने वाला है। तो भाई स्टार्ट करते हैं सीधे ही, मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी, सीधे आपके टॉपिक की ही मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है? तो चलिए भाई, मिशन आप बोर्ड एग्जाम्स का है 2023 का, तो फिर से आप जीत की तैयारी कर लो मेरे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर से यूनिट फर्स्ट में 5 अंक वाले प्रश्न की हम बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है इस मानव जनन से, जो 5 अंक के जो प्रश्न बनेंगे, जितने भी 5 अंक के प्रश्न बनते हैं ज्यादातर वो क्वेश्चन या तो मानव जनन के आते हैं या तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से आते हैं। क्योंकि ये पहले वाला लेक्चर जो है, मतलब पहला अध्याय जो पहले पिछले साल से 2-3 साल से कट चुका था, इस साल आने की संभावनाएं हैं, तो इसका भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन फिर से बनने वाले हैं पहले अध्याय में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है जो है वो हम आते हैं किसमें, प्रश्न हमारा जो था सेकंड फिर से आ गया, क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा था, शुक्राणु जनन, अब है क्या, अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में आपके 2018 का बेटा ये प्रश्न है, मतलब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और सेट की ABC तीनों में ही ये आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न से ही, हम देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है और आंसर आपको कितना लिखना है। मैं लिख करके, कुछ चीजें मैं लिख कर बता रही हूँ, कुछ चीजों को सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको अगर लगता है कि मैडम इसका आंसर लिख दीजिए, तो मैं उसको लिख करके भी एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप मुझे कमेंट करेंगे उसके लिए, ठीक है? चलिए, तो अंडाणु जनन क्या है प्रश्न पूछा है, अंडाणु जनन क्या है, समझ आ ही क्या होगा आपको अंडाणु जनन क्या होता है। अब आते हैं अंडाणु जनन का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, अब इसी को मैं एक क्वेश्चन और घुमा दूंगी, अंडाणु जनन किसे कहते हैं, अंडाणु जनन की विभिन्न प्रवस्थाओं को समझाइए, ठीक है? ये क्वेश्चन फिर से बन गया, प्रवस्थाओं को समझाइए, चेंज कर दी मैं, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, प्रश्न देके घबराना नहीं, आपने प्रवस्थाएं जो है देखी हुई है, जो हमने शुक्राणु जनन में पढ़ा था एग्जैक्ट वैसा ही, सेम वैसा ही यहाँ पर आपको लिखना है इस प्रवस्था के बारे में, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्रोसेस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हमारा क्या है, ओवम है, ठीक है? ओवम होता है, अंडाणु होता है, मादा युग्मक होता है। अब क्या है उत्तर ये देखते हैं, उत्तर लिखा है बेटा क्या लिखना आपको, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मुझे बताइए अंडाणु जनन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, आप मुझे कमेंट में उसका आंसर लिख के दोगे क्योंकि एक ही लाइन का है। तो ध्यान रखो, अंडाणु जनन में क्या होता है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। भाई अंडाणु के बनने की प्रक्रिया, लेकिन कौन सी कोशिका से बनेगी, तो याद रखेंगे अंडाशय में, हमने पूरा देखा ना अंडाशय, पिछले से पिछले लेक्चर याद करिए, अंडाशय का डायग्राम, फॉलिकल याद करेंगे आप सब, ठीक है? तो अंडाशय की जनन कोशिकाओं में, अंडाशय की बाहरी कोशिका क्या कहलाई थी, जननिक कोशिका कहलाई थी, जर्मिनल कोशिका कहलाती है। तो जननिक कोशिका यानी कि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं अंडाणु जनन, ठीक है? हो सकता है ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का भी ये पूछ सकता है, ध्यान देंगे 2 अंक में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छोटा छोटा चीज को आप पूरा लेकर चलोगे, ठीक है? ये नहीं कि भाई आगे का हमको पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं, आपको 2-2 नंबर को भी आपको साथ लेकर चलना है, 3 अंकों को भी साथ लेकर चलना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, 5 को हम 3 में भी कन्वर्ट कर दे और 3 को 5 में भी कन्वर्ट कर दे, तो ये ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखें, अब अंडाणु जनन में कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती है, तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया में 3 मुख्यतः प्रवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। पहला प्रवस्था है प्रोलिफ्रेशन यानी कि
यहाँ पर ध्यान देंगे, ये प्रोलीफरेशन है, ठीक है, प्रोलीफरेशन प्रवस्था होता है, प्रोलीफरेशन फेज होगा। नेक्स्ट है वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ प्रवस्था, हमने देखा होगा ये प्रवस्था पूरा लिखना, तब आपको 5 अंक देंगे कोई, ठीक है, टीचर्स जो है 5 अंक ऐसे अब हलवे में नहीं दे देंगे, आप लिखोगे तब आपको देंगे, ठीक है। तो 5 अंक पाने के लिए आपको ये स्टेज लिखना है, प्रोलीफरेशन अवस्था, वृद्धि प्रवस्था और क्या है परिपक्वन अवस्था, ये क्या है परिपक्वन अवस्था है, ठीक है, ध्यान देंगे परिपक्वन अवस्था यानी कि मैच्यूरेशन फेज, ठीक। तो पहला स्टेज क्या है भाई, प्रोलीफरेशन फेज। अब प्रोलीफरेशन के फेज क्या होता है, यानी कि प्रोलीफरेशन जो फेज है, तो इस फेज में क्या होता है वो देखेंगे और आगे भी समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसको बताने पहले से ये डायग्राम पहले आप देखोगे कि क्या होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये देखो पहले, जब हम अंडाशय का चित्र बनाया था आपको याद होगा, ठीक है, अंडाशय की संरचना जब हम बनाए हुए थे, यहां पर ध्यान दो क्या है ये, नेक्स्ट करते हैं। चलिए, अंडाशय की जब हम संरचना पूरा बनाए हुए थे तो आप लोगों को याद होगा कि अंडाशय की संरचना में ठीक है, तो अंडाशय की संरचना आप देखे थे तो उसमें याद होगा आप लोगों को कि ये जो आउटर लेयर होता है उसको हम जननिक उपकला उत्तर मतलब जननिक कोशिका कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जननिक कोशिका बोलते हैं, यानी कि जनन कोशिका। और जननिक कोशिका से ही विभाजन की प्रक्रिया होती है और विभाजन करके हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉलिकल का निर्माण करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, बहुत सारे फॉलिकल का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो फॉलिकल से हम देखे थे एक फॉलिकल मतलब एक जो इसी में ही ओगोनिया का निर्माण होता है और ये आगे चल के विभाजन होती है और विभाजित करके मतलब हम यू बोल सकते हैं, देखो तो ये क्या है आपका अंडाशय की संरचना। तो अंडाशय की संरचना में ये क्या बेटा, जननिक कोशिका, और जननिक कोशिका से ही आपका फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है यानी कि पुटक का निर्माण होता है, हमने पढ़ा था ना किसका निर्माण होता है, प्राथमिक फॉलिकल, द्वितीयक फॉलिकल, तृतीयक फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, और ये हमने पढ़ा हुआ है ना, यानी कि प्राथमिक पुटक का निर्माण हुआ था, प्राथमिक पुटक का, ये क्या है द्वितीयक पुटक का निर्माण हुआ था, नेक्स्ट क्या है तृतीयक पुटक का निर्माण हुआ था, और तृतीयक देखो पहला में क्या था, प्राइमरी ऊसाइट था, ठीक है, जब ये विभाजन मतलब प्राथमिक पुटक से क्या बना था, प्राथमिक पुटक के अंदर प्राथमिक ऊसाइट था, ठीक है, लेकिन जब तृतीयक में आया और ग्राफियन में आया, देखो तृतीयक तक आते आते क्या होता है, द्वितीयक ऊसाइट बन जाता है, क्या बन जाता है, द्वितीयक ऊसाइट बन जाता है, इसमें क्या बना, प्राथमिक ऊसाइट रहता है, ठीक है, प्राथमिक ऊसाइट प्राथमिक पुटक के अंदर, तृतीयक के अंदर जो होता है द्वितीयक, तृतीयक के अंदर क्या बन जाता है, द्वितीयक ऊसाइट बन जाता है, द्वितीयक ऊसाइट के बाद आपका क्या हो जाता है, एक द्वितीयक ऊसाइट से ही अंडाणु मैच्योर अंडाणु का निर्माण हो जाता है जो कि अंडाशय की दीवार से जैसे ही चिपकेगा ये बाहर निकल जाता है अंडाणु, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है, पूरा डीप में नहीं घुसूंगी, ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं ये बताना चाह रही थी कि जब हम ये प्रवस्था देखते जाइए, आपको जो लिखना है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमने क्या पढ़ा, पहला अवस्था क्या है, प्रोलीफरेशन फेज, फिर क्या आया आपका, ग्रोथ फेज, फिर आया मैच्यूरेशन फेज, तो तीन प्रवस्थाओं में हम इसको डिवाइड कर दिए। तो पहला प्रोलीफरेशन फेज, यानी कि आपका यहां पर क्या बनेगा, अंडाणु जनन की प्रक्रिया, मतलब देखो अंडाणु जनन मतलब क्या बन रहा है, यहां पर सबसे पहले बहुत सारे प्रारंभिक जो जननिक कोशिकाएं होती है, जनन कोशिकाएं होती है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, ये क्या है प्रवस्था है, प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं जो होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। भाई समसूत्री विभाजन होगा तो क्रोमोसोम का संख्या तो समान होगा यानी कि 2n होगा, तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं जो होती है समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है, और समसूत्री विभाजन करेगी और क्या हो जाएगी भाई, बहुत सारे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओगोनिया का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है,
ओगोनिया का निर्माण करती है, ठीक है। अब जब ओगोनिया आगे आकार में क्या होगा, वृद्धि करेगा, ठीक है, आगे आकार में क्या करेगा, भोज्य पदार्थ को लेगा और वृद्धि करता है, और वृद्धि करके क्या बना देता है, प्राथमिक अंड कोशिका बना देता है, प्राथमिक अंड कोशिका यानी कि प्राइमरी ओसाइट, प्राथमिक ओसाइट का निर्माण कर देता है, ठीक है, किसका, प्राथमिक ओसाइट का निर्माण कर देता है। बहुत सारे ओगोनियम बन गए, फॉलिकल का संरचना बन गया, आगे चल के ग्रोथ कर दिया, ये प्राथमिक अंडक कोशिकाएं बन गई। प्राथमिक अंडक कोशिकाएं क्या होगी, प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में दो बार से फिर से विभाजन होगा, यानी कि जब प्राथमिक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन जब पहला होता है तो क्या बनता है, पहला, याद रखेंगे, प्राथमिक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन दो बार होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा तब वो क्या बनाएगा, द्वितीयक अंड कोशिका यानी कि द्वितीयक ओसाइट का निर्माण कर देता है। अब द्वितीयक जो ओसाइट से ही, द्वितीयक ओसाइट में ही अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जब सेकेंड होता है तो मैच्योर अंडाणु का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे पहले जननिक कोशिका है, समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी ओगोनिया का निर्माण करती है, और ओगोनिया आगे चलकर क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, मतलब भोज्य पदार्थ लेगी और अपने आप में वृद्धि करेगी, बड़ी हो जाएगी आकार में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण करती है। प्राथमिक अंड कोशिका क्या करेगी भाई, अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा और पहला करके क्या बनाएगा, द्वितीयक अंड कोशिका बना लेती है। द्वितीयक अंड कोशिका यानी कि द्वितीयक साइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो क्या बनाएगा, अंडाणु। अब यहां पर देखिए, अभी तक हम जो बात कर रहे थे प्राथमिक अंड कोशिकाएं, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स की संख्या थी, 46 यानी कि 2n था। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन पहला हुआ, क्रोमोसोम्स का संख्या आधा आधा यानी कि यहां पर 23 और यहां पर 23 हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो आपका, ये आपका प्राथमिक अंड कोशिका जब विभाजित करके द्वितीयक अंड कोशिका बनाई, तो द्वितीयक अंड कोशिका तो ये बनेगी, साथ में प्राथमिक पोलर बॉडी का निर्माण करती है, प्राथमिक ध्रुवी पिंडक का निर्माण करती है, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं होता, आगे चल के खत्म हो जाता है, ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। तो एक जो है ध्रुवी पिंडक का निर्माण कर दी, ध्रुवी पिंडक का, प्राथमिक ध्रुवी पिंडक, तो ये नष्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हम, एक जो बच गया आपका द्वितीयक अंड कोशिका, तो द्वितीयक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ, ठीक है, सेकेंड विभाजन हुआ, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, और ये क्या बना लिया, ये बना लेता है क्या, अंडाणु का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह के से एक ही अंडाणु जो होता है, मात्र और मात्र एक ही होता है, ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में चार शुक्राणु का निर्माण हुआ था, उस प्रकार अगर मैं अंडाणु जनन की बात करूं तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया ना कि लाखों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं, लेकिन अंडाणु सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है। अगर मैं जनवरी मान लो जाए, एक मंथ में जनवरी में लेफ्ट फैलोपियन मतलब लेफ्ट अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो रहा है, उसी तरह दूसरे महीने मान लो जाए फरवरी है, देखो देखो कैसे होता है अंडाणु का निर्माण, देखो ध्यान देना, मान लो जाए महीने में ये क्या है, जनवरी है और ये क्या आपका फरवरी है, ठीक है। तो मान लो जाए जनवरी में अगर दाया से, ठीक है, दाया से जनवरी में आपका एक अंडाशय से एक अंडाणु बन रहा है, तो उसी अंडाशय से दूसरे महीने नहीं बनेगा, आपको दूसरे महीने में दूसरे अंडाशय से मतलब दाया नहीं, अब बाया में बनेगा, ठीक है। एक बाया की बात करूं और एक दाया अंडाशय और ये क्या है, बाया अंडाशय, ठीक है, दो होते हैं ना अंडाशय। तो जनवरी में एक तरफ से बनेगा अगर दायां अंडाशय से, तो फरवरी में बायां अंडाशय से अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ये मंथली आपको पता ही है, मेंसुरेशन साइकिल जो चलता है वो आपका 28 दिन का होता है, आपको पता ही है वो चीज, ठीक है। तो ये जो साइकिल है आपका पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखते जाएंगे और पेपर में क्या लिखेंगे पहले वो ध्यान दीजिए। ये इतना चीजें समझ आ गया होगा, आई होप, मुझे लगता है समझ आ गया होगा, पेपर में इतना ही करना है आपको। चलिए, प्रोलिफरेशन फेज में क्या हो गया, यह अवस्था तब होता है जब मां फीटस यानी कि
माँ भ्रूणी स्टेज में, ठीक है, माँ के गर्भ में लगभग 6 माह का हो तो उस स्टेज में ही ये बन जाता है। आप मतलब समझो, भ्रूणी हमने पढ़ा था ना 13 से 14, 16 के बीच में होता है, उसमें लड़कों में यानी कि नर में, तो इसमें भ्रूणी अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इस अवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होती है, अंडाशय की गुहा में यानी कि कोशिका की गुच्छा बना देती है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल कहते हैं, हमको पता है ना, हमने पढ़ा हुआ अंडाशय का, ठीक है। और इस पुट्टिका की एक कोशिका आकार में बड़ी होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओगोनिया कहते हैं। बहुत सारे फॉलिकल होते हैं और एक आकार में बड़ी होती है, उसको ओगोनिया कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रोथ फेज, और ओगोनियाकार में बड़ी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आगे चलकर, प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। और प्राथमिक ओसाइट फिर से दो बार विभाजित होगी, पहला विभाजन अर्धसूत्री प्रथम होता है और दूसरा अर्धसूत्री सेकंड। तो पहले में क्या बनता है, तो पहले में बनता है क्या, सेकेंडरी ओसाइट बनता है और प्रथम ध्रुवी काय, फर्स्ट पोलर बॉडी बना। अब दूसरे में जब विभाजन होगा, द्वितीय में मतलब द्वितीय ओसाइट में जब विभाजन हो जाता है तो उसमें क्या बनेगा, एक बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण हो जाता है और एक छोटी कोशिका द्वितीय ध्रुवीय पिंडक का निर्माण कर देता है। तो ध्रुवीय पिंडक का ज्यादा कोई काम नहीं रहता है, लेकिन ये ओवम का निर्माण जो होता है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि प्राथमिक ओसाइट से ओवम का निर्माण हुआ, आप कहेंगे क्या, द्वितीयक ओसाइट से ओवम का, मैच्योर ओवम का निर्माण हो जाता है। तो ये था क्या, अंडाणु के बनने की प्रवस्था। तो इतनी चीजें आपको पेपर में लिखनी पड़ेगी एक डायग्राम बना करके, और उसके बाद की प्रवस्था तो आपको पता ही है, शुक्राणु बन चुका, लाखों की संख्या में शुक्राणु, एक अंडाणु है और सारे के सारे निषेचन की प्रक्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, आपको सारी चीजें पता होगी, ठीक है। तो आगे चल के अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं निषेचन की प्रक्रिया भी समझा दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन की प्रक्रिया, और दोनों ही 5 अंक का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अच्छे से आप बनाएंगे, आपके पेपर में लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, अब मैं चलती हूँ, आगे मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।